Assalamu alaikum, you are listening to Malik Shahzaib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज एडिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 19th कन्वोकेशन था. टोटल 3600 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिग्री से नवाजा गया. इन 3600 स्टूडेंट में से 72 ऐसे खुशकिस्मत लोग थे जिनको मेडल से भी नवाजा गया है. तो इन 72 स्टूडेंट्स में से एक मैं भी ऐसा स्टूडेंट था जिसको मेडल मिला है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि मुझे उसने इतनी इज्जत से नवाजा, और उसके बाद मेरे अलावा जितने भी गोल्ड मेडल्स हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. और यार व्हाट अ फीलिंग जब गोल्ड मेडल मिला, तो क्या फीलिंग थी यार. मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या फीलिंग थी. आप इवन कि इतनी मतलब ऐसी फीलिंग थी कि मेरे के आप सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसी फीलिंग थी. ऐसे मेरे पास अल्फाज नहीं है. उस वक्त तो आप यकीन करो सीरियसली मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था, और पता नहीं क्या हो रहा था. और फिर जब क्या हुआ कि मेडल मिलने के बाद मैं बाहर आया फ्रेंड्स के पास, तो फ्रेंड्स ने गले से लगाया, मुबारकबाद दी, और फिर मेरे साथ पिक्चर्स बनाना स्टार्ट हो गए. क्लास फेलोज मिले, उन्होंने गले से लगाया. टीचर्स मिले, उन्होंने गले से लगाया, मुबारकबाद दी. और मैं बहुत स्पेशल फील कर रहा था कि यार मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है. इन शॉर्ट सही अगर आपको बताऊं तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसा ना कि आज मेरा वलीमा है. यानी कि बहुत स्पेशल डे था, और मेरी लाइफ का एक बेस्ट जो बेस्टेस्ट डे था. फर्स्ट टाइम मुझे मेडल मिला है मेरी लाइफ में. फर्स्ट टाइम फर्स्ट पोजीशन आई है. इससे पहले मैं फेल भी होता रहा था. मेरी लाइफ में कभी भी 70% मार्क्स नहीं आए थे. तो मेरा ये था बैकग्राउंड. तो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी और फर्स्ट टाइम मेडल मिला है. इतनी रिस्पेक्ट मिली है कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है. चले हैं बाने नए अफसाने नए पैमाने नई हिम्मतें नए हैं जज्बे. तो जैसा आपको मैंने बताया कि इससे पहले वाली जो डिग्री थी ना, उसमें मैंने जब पेपर्स दिए थे तो मैं फेल हो गया था. मैंने दोबारा पेपर्स दिए तो मैं दोबारा फेल हो गया था. तो थर्ड टाइम जाके मैं पास हुआ था, और इतने कम मार्क्स आए थे ना इससे पहले वाली डिग्री में. मेरे इवन 51% मार्क्स आए थे, इतने कम मार्क्स आए थे. तो इस मौके पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा. जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी. जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी. जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए. एक शेर और अर्ज करना चाहूंगा. वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से. वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से. जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है. पोइट्री का मुझे बहुत शौक है. तो एक और शेर अर्ज करता हूँ. जंग लड़ना पड़ती है अपने जोर बाजू पर. जंग लड़ना पड़ती है अपने जोर बाजू पर. जिंदगी के मैदान में मौजज़े हुआ नहीं करते.
और लास्ट में मैं ये कामयाबी, ये जो सक्सेस है, मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करूंगा, जिनकी दुआओं से आज मैं स्टेज पर हूँ। और उससे भी बढ़ के स्पेशल मैं अपने टीचर्स को डेडिकेट करूंगा, जिन्होंने मुझे आज अपने पाँव पे खड़ा किया है। मेरे टीचर्स, आपके लिए ये है कि मैं मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आपने मुझे आज इस स्टेज पर पहुंचाया है, मुझे पढ़ाया है, मुझे सिखाया है, सो थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं ये डेडिकेट करूंगा अपने क्लास फेलोज के साथ। क्लास फेलोज मेरे बहुत अच्छे थे, इवन की इतनी अच्छी क्लास मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिली, मुझे इतनी प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय क्लास फेलो। और आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, फ्यूचर की लाइफ में भी हंसता और मुस्कुराता रखे। और बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको भी डेडिकेट करता हूँ ये सक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और लास्ट विश, बहुत अच्छा वक्त गुजरा यूनिवर्सिटी में, बहुत एंजॉय किया, और सब भाइयों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। बहुत मज़ा आया, स्पेशली फैजान के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। 2 साल पता ही नहीं चला टाइम कब गुजरा, इसलिए सब भाइयों को बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू कार भाई, शफाक भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर, कोई लास्ट विश हमारे लिए यूनिवर्सिटी के रिलेटेड? यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ये है कि UIT में जो वन ऑफ द बेस्ट क्लास थी, MCS जो थी हमारी क्लास थी, और बहुत इन्जॉय किया, और हमें बहुत खुशी हुई कि इकट्ठे रहे हुए, और इन्जॉय हमने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया और इन्जॉय किया। तो मैं कहता हूँ हमारे जो लाइफ टाइम एजुकेशन था उसमें वन ऑफ द बेस्ट क्लास थी, और इन्जॉय किया। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल फॉर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू गोल्ड मेडलिस्ट भाई, कोई अच्छे से हमारे लिए मैसेज आपका? और बस यही है कि हर रोज़ मिलते थे हम, बैडमिंटन खेलते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे। अब ये होगा कि लाइफ थोड़ी सी बोर हो जाएगी, हम मिलेंगे नहीं, अब अपनी अपनी जॉब पे चले जाया करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो इस तरह के दोबारा क्लास फेलोज़ मिलना तो आई थिंक नामुमकिन सी बात है। और मैसेज तो यही है कि बस आगे बढ़ना, हिम्मत नहीं हारना ज़िंदगी के किसी भी मैदान में, और अपनी फ्यूचर लाइफ को एंजॉय करना, और इंशाल्लाह हम अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। थैंक यू समीर भाई, लास्ट मैसेज अच्छा सा यार, अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माजरत, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू प्राण भाई, अच्छा था मैसेज। तो मैसेज यही है अच्छा कि अपने लिए और अपने कौम के लिए अल्लाह हम अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। थैंक यू समीर भाई, लास्ट मैसेज अच्छा सा यार, अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माजरत, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू प्राण भाई, अच्छा था मैसेज। तो मैसेज यही है अच्छा कि अपने लिए और अपने कौम के लिए कुछ करके दिखाओ, अपनी फील्ड में करो या किसी भी फील्ड में करो। थैंक यू, ईमानदारी से और अपने साथ भी ईमानदार, और अल्लाह हम अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। थैंक यू समीर भाई, लास्ट मैसेज अच्छा सा यार, अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माजरत, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू प्राण भाई, अच्छा था मैसेज। तो मैसेज यही है अच्छा कि अपने लिए और अपने कौम के लिए कुछ करके दिखाओ, अपनी फील्ड में करो या किसी भी फील्ड में करो। थैंक यू, ईमानदारी से और अपने साथ भी ईमानदार, और अल्लाह हम अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा। थैंक यू समीर भाई, लास्ट मैसेज अच्छा सा यार, अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माजरत, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू प्राण भाई, अच्छा था मैसेज। तो मैसेज यही है अच्छा कि अपने लिए और अपने कौम के लिए कुछ करके दिखाओ, अपनी फील्ड में करो या किसी भी फील्ड में करो। थैंक यू, ईमानदारी से और अपने साथ भी ईमानदार, और अपनी कंपनी के साथ भी। थैंक यू प्राण भाई, सलाम भाई, कुछ अच्छा था मैसेज हमारी। बस मैसेज यही है कि कोशिश करें कि हमेशा मिलते रहे, ज़रूरी नहीं कि हम जो है डिग्री की हद तक दोस्त रहे, कोशिश करें कि इसके बाद जो है अपनी मुलाकात इस तरह मतलब जारी रखें। थैंक यू, ठीक है जी, MCS बाय बाय, सारे हाथ ला दो भाई, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। चलो चलो, रेडी रेडी।